जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन से पहले चीन के मशहूर लालटन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर हैम्बर्ग के एक पार्क में खूबसूरत लैंप की प्रदर्शनी देखने को मिली। मोर, पांडा और फूलों के आकार वाले लैंप की रोशनी से पार्क जगमगाने लगा और लोगों ने इस नजारे का खूब लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दीवारों पर बुरहान वानी के पोस्टर दिखाई दिए। बुरहान वानी के एनकाउंटर का एक साल पूरा होने पर आतंकी कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसीलिए कश्मीर में बुरहान वानी दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। और आतंकी बुरहान वानी की तस्वीर वाले पोस्टर कई जगहों पर दीवारों और खम्भों पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों ने पोस्टर में बुरहान वानी की अलग अलग तस्वीरें छपवाई हैं और भारत विरोधी नारे भी चापे हैं। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर का एक साल बीतने वाला है और आतंकी इस दिन कश्मीर, पीओके और पाकिस्तान में बुरहान वानी दिवस मनाने की तैयारी में। 8 जुलाई से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी इंटरनेट पर तरह तरह के वीडियो भी डाल रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा ने भी एक ऐसा ही वीडियो पोस्ट किया है जिसमें जाकिर मूसा की आवाज है और आतंकी बुरहान वानी की तस्वीरें हैं। वीडियो में जाकिर मूसा ने बुरहान वानी को इस्लाम के लिए लड़ने वाला और मुसलमानों के लिए फिक्रमंद रहने वाला बताया। फिर बुरहान भाई को हमेशा मुसलमानों की फिक्र रहती थी, खुद सोते जागते खाते पीते इसी सोच में रहते थे। तो जाकिर मूसा ने उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो बुरहान वानी के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने शहीद बुरहान भाई के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए। अगर आज शहीद बुरहान भाई जिंदा होते तो उन्हें भी गालियां देते। मूसा की इस बात से आतंकियों के बीच फूट की बात तो सामने आई ही, साथ ही वो अपने आतंकी साथियों से सावधान रहने को भी कह रहा है। मुजाहिदीन से यही गुजारिश करूंगा कि किसी को भी अपनी पिन पॉइंट न बताएं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब साफ है कि आतंकी पुलिस और सेना के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से बुरी तरह डरे हुए। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जाकिर मूसा को कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था, तो एक वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर यासीन ने भी जारी किया। वीडियो एक मोबाइल से लिया गया था जिसमें आतंकी यासीन के एक तरफ राइफल रखी हुई दिख रही थी और उसके सामने एक बड़ा सा लैपटॉप था जिसमें देखते हुए यासीन एक संदेश पढ़ रहा था। यासीन ने संदेश में बुरहान वानी को शहीद बताया और आतंकियों से एक होने की अपील की। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद साथियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। ऐसे अनाप शनाप वीडियो डालकर आतंकी जम्मू कश्मीर के युवाओं को उकसाने और भड़काने की कोशिश में लगे हैं और पाकिस्तान की मदद से आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताते हुए प्रचार करने में लगे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और गृह मंत्रालय आतंकियों की कोशिश को नाकाम करने की तैयारी कर चुके हैं, इसीलिए गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के हालात पर लगातार नजर रख रहा है। कश्मीर में 15-20% तक फौज बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हुर्रियत नेताओं की एहतियातन हिरासत की मियाद बढ़ा दी गई है। गुरुवार रात 10 बजे से पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के DGP SP वैद्य ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। वहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो जितने टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं सबको कंसिडरेशन में लेके वहाँ बन किए गए। तो जम्मू कश्मीर के DGP ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके आतंकी शिविरों में पहुंच चुके कश्मीर के लड़कों से वापस लौटने की अपील की। हमारे बाकी बच्चे दहशतगर्दी का रास्ता है उसको छोड़ के अपने घरों में वापस आए। DGP ने उन माँ बाप के साथ भी संवेदना जाहिर की जिनके बच्चे आतंक के रास्ते पर चले गए। तो भारत को एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी ब्रिटेन में भी मिली है जहाँ बुरहान वानी दिवस का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था क्योंकि बर्मिंगहम सिटी काउंसिल ने इस कार्यक्रम की इजाजत वापस ले ली। ये कदम भारत सरकार के सख्त एतराज जताने के बाद उठाया गया। विदेश और रक्षा मामलों के जानकार इसे सरकार की कामयाबी मान रहे हैं। ये अच्छा कदम है ब्रिटिश सरकार का, ये एक प्रकार से अच्छी बात है भारत के दृष्टिकोण से। हालांकि बुरहान वानी को शहीद का तमगा देकर कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ माना जा रहा है।